वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी का तरफ से आया हुआ एक नोटिफिकेशन कुछ दिन से सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो पहले एक नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन 22 जून आया था। इसका बाद और एक नोटिफिकेशन कल का डेट में आया है। इसका बाद स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्या एक्चुअली ये नोटिफिकेशन पर आ रहा है, क्या आप लोगों का रिक्रूटमेंट आएगा या क्या आप लोगों को जो एक्स अप्रेंटिसिप किया है ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड से उसको नौकरी में परमानेंटली लिया जाएगा कि नहीं। तो इसका बारे में बहुत सारा यूट्यूबर अलग अलग वीडियो भी बना रहे, ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो इसीलिए अलग मेरा भी जो फॉलोअर्स है सब्सक्राइबर वो सब स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, सर इसके ऊपर वीडियो बनाना, एक्चुअली इसका सच क्या है। इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, जो भी प्रॉपर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नए हैं वो सभी स्टूडेंट टेक्निकल जॉब का प्रॉपर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आप लोग जो नोटिफिकेशन स्क्रीन में देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन ऑथेंटिक है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट में देखना, रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स ट्रेड अप्रेंटिसिप। जो भी स्टूडेंट ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोई भी यूनिट से अगर आप लोग अप्रेंटिसिप किए हैं उसका रिक्रूटमेंट का बारे में ये नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए, बाकी यूट्यूबर क्या बोल रहा है उसमें मेरा फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सच है वो मैं आप लोगों के साथ अभी बताऊंगा। तो और रेफरेंस में आप देख सकते हैं ओएफबी सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर आया था 16 मई 2016, तो ये सर्कुलर में बोला गया था जो भी स्टूडेंट ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोई भी यूनिट से अगर अप्रेंटिसिप करेगा तो उसका जब ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का तरफ से अगर कभी रिक्रूटमेंट आएगा, परमानेंट रिक्रूटमेंट जब आएगा तब कोई एक्स अप्रेंटिसिप स्टूडेंट को 5 मार्क्स रिटेन टेस्ट में एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप लोग का 100 में से एग्ज़ाम होगा तो अगर आप लोग 65 मार्क्स लाते हैं और अगर आप लोग ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कोई भी यूनिट से अप्रेंटिसिप किए तो आप लोग का 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन ये सर्कुलर तब पब्लिश हुआ था तो इतना दिन बाद एक ग्रांटेड हो रहा है। तो आप देख सकते हो ऊपर में इन लाइन विद द अमेंडमेंट, ये आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद MOD ID बीच से आप लोग देख लेना, हैज डिसाइडेड टू ग्रांट 5 एक्स्ट्रा मार्क्स टू एक्स ट्रेड अप्रेंटिसिप ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री इन द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द रिटेन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड फॉर टोटल 100 मार्क्स इन ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन और सेमी स्किल्ड। तो ITI वालों के लिए जो रिक्रूटमेंट आता है ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से ट्रेड्समैन नहीं तो सेमी स्किल का तरफ से रिक्रूटमेंट आता है। तो फ्यूचर में जो भी रिक्रूटमेंट ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से आएगा और जो भी एक ट्रेड अप्रेंटिसिप है वो सभी स्टूडेंट को रिटेन टेस्ट में 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ये है इसका एक्चुअल फैक्ट। इसका बाद आप लोग देखना दोनों नोटिफिकेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसका बाद इन दिस कनेक्शन ऑल ऑर्डनेंस एंड ऑल्ड ऑर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, ऑर्डनेंस का जो अलग अलग फैक्ट्री सभी फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है टू कन्फर्म द नंबर ऑफ एक्स ट्रेड अप्रेंटिसिप ऑफ दर फैक्ट्री हु गॉट बेनिफिट ऑफ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा एंड गॉट रिक्रूटेड इन द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन एंड सेमी स्किल आफ्टर May 2016। तो ये सर्कुलर कब आया था मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ये सर्कुलर आया था 2016 का मई महीने में आया था, 16 तारीख के आया था। तो यही बोला है ऑर्डनेंस फैक्ट्री जो अलग अलग बोर्ड है या अलग अलग जो यूनिट है तो वो सब यूनिट को रिक्वेस्ट किया है एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये जो सर्कुलर पब्लिश हुआ था उसका बाद कितना एक स्ट्रेट अप्रेंटिसिप को ये बेनिफिट मिला है, बेनिफिट मतलब 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा आप लोग को मिला है उसका बाद आप लोग का रिक्रूटमेंट हुआ है। तो ये एक्सेल सीट में सभी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सबमिट करने के लिए बोला है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ 2016 का बाद जो भी रिक्रूटमेंट आया था, जैसे 2018 में आया था उसका बाद कितना स्टूडेंट ने, कितना एक्स अप्रेंटिसिप ने 5 मार्क्स का बेनिफिट जिसको मिला है उसका लिस्ट देने के लिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अलग अलग बोर्ड को एक एक्सेल में देने के लिए रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं फादर OFRC का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था, इज़ रिक्वेस्टेड टू गिव द डाटा फैक्ट्री वाइज फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आई कॉम्प्लीट बाई OFRC इन 2018 में OFRC का तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें जो फैक्ट्री वाइज आप लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था तो उसमें कितना स्टूडेंट को 5 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिला था, कितना मार्क्स मिला था वो जो लिस्ट है वो लिस्ट देने के लिए बोला है। तो आप देख सकते हैं बोला है फैक्ट्रीज आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड द डाटा इन द फॉर्मेट गिवन बिलो इन द एक्सेल फाइल लेटेस्ट बाय 25 जून एंड डाटा शुड बी मेल्ड टू industrial.ofb@gov.in।
इसका मतलब सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये जो रिक्रूटमेंट डिटेल्स है इसको एक्सेल फाइल में बना के ये जो मेल आईडी दिया है इसमें 25 जून के अंदर भेजने के लिए फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन जस्ट जो भी स्टूडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से अप्रेंटिसशिप किया वो सभी स्टूडेंट के लिए वैलिड है, क्योंकि आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा जब आप लोगों का परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा तब। बाहर से अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप किए वो सभी स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन इनवैलिड है, क्योंकि आप लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसका बाद और एक नोटिफिकेशन आया है, वो क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी का तरफ से और एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है कल का डेट में। तो पिछला वाला नोटिफिकेशन 22 तारीख को पब्लिश हुआ था और बोला था 25 तारीख के अंदर रिक्रूटमेंट का फुल डिटेल्स अलग अलग फैक्ट्री को फॉरवर्ड करने के लिए बोला था। तो अभी तक कोई भी आप देख सकते इधर लिखा है However, no reply has been received from the above mentioned factories till date। जो डेट दिया गया था 25 तारीख का अंदर भेजने के लिए अलग अलग फैक्ट्री को, तो कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है फैक्ट्री का तरफ से, इसलिए बोला था अबव मैंसेंड फैक्ट्रीज। फ्रेंड्स कौन सा फैक्ट्री आप देख सकते हो, OFBL, OFCH, OFI, OFK, तो सभी फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है वो जो डाटा है रिक्रूटमेंट डाटा है एक्सेल फाइल में ये जो मेल आईडी दिया है इसमें भेजने के लिए 29 तारीख का अंदर मतलब आज का अंदर सभी फैक्ट्री को भेजना पड़ेगा। ओके, इनकेस नो सर्च रिक्रूटमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग 2016 to 2020 ए नील रिपोर्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड। अगर ये जो डिपार्टमेंट दिया है आप देख सकते हैं अलग अलग बोर्ड दिए हैं, इसका तरफ से अगर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है 2016 का बाद से 2020 तक, तो उसको नील रिपोर्ट मतलब ब्लैंक रिपोर्ट भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप लोग को कोई कहीं पे लिखा नहीं है कि आप लोग जो भी एक्स अप्रेंटिसशिप किया है आप लोग को परमानेंटली रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप लोग का जब परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगा 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आप लोग को मिलेगा। तो जो भी यूट्यूबर आप लोग को बताया कि आप लोग का ज्वाइनिंग हो सकता है आप लोग को परमानेंट किया जाएगा, वो अभी जस्ट उसका मनगढ़ंत कहानी बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ था जो ऑफिशियल अपडेट आया था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जो भी ऑथेंटिक और प्रॉपर न्यूज़ होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई भी फेक न्यूज़ लेके मैं नहीं आता हूँ। तो यही था आज का वीडियो का मूल कंटेंट। वीडियो पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।